तो सबसे पहले हम 12th के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिस इस वीडियो में हम ले रहे हैं वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स हम चार्जेस लेंगे, उन चार्जेस को एक ही जगह पे हम रेस्ट पे रखेंगे, उन्हें हम कोई भी मूवमेंट नहीं कराएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर। जो क्लास 12th है, अगेन उस क्लास 12th में जो चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर चार्जेस की। चार्जेस क्या होते हैं, व्हाट इज ए चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ज को समझेंगे। चार्जेस को समझने के लिए क्या हुआ, देखिए 600 बीसी पहले क्या था, एक साइंटिस्ट था थैलस, एक पर्सन था थैलस। उसने क्या करा, एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, अंबर। जो अंबर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका टाइप होता है वो एज अ किसकी तरह दिखता है, हमारे पास स्टोन्स की तरह दिखता है। ठीक है, उसने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, अंबर बोला जाता है। और वो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो जो पर्टिकुलर जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं उन स्टोन्स का तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये अंबर था उसने क्या करा, उसने अंबर को रब कराया, किससे रब कराया, वूल से ना, दोनों को एक दूसरे से रब कराया। तो जैसे उसने रब कराया तो रब करने पे दोनों में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। तो रब कराने के बाद ये जो अंबर था क्या देखा गया, अंबर में एक प्रॉपर्टी आई। किस टाइप की प्रॉपर्टी आई, कि अंबर के पास में अगर कोई भी पेपर्स हैं, पेपर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो, या फिर लीव्स होगी पेड़ की ना, उन्हें अगर उन्हें पास में लेके आए तो क्या करने लगा, ये अंबर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, डस्ट पार्टिकल्स को, लीव्स को, जो पेपर्स होते हैं छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। मीन्स इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, किस टाइप की प्रॉपर्टी आ गई, कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन स्मॉल पार्टिकल्स को ये क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से ही हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक आया था वो बेसिक कहाँ से आया था, थैलस ने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करा, उस प्रैक्टिकल में अंबर नाम अंबर टाइप का जो एक मटेरियल था उस मटेरियल में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई। उसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को यूज लेकर आगे जाके नेक्स्ट साइंटिस्ट ने यूज लेकर किस चीज़ को जनरेट करा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा। अब हम बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म आई है, ये टर्म कहाँ से जनरेट हुई है, क्या हुआ, जो अंबर था इंग्लिश नेम है, उस अंबर को जो ग्रीक लैंग्वेज है, उस ग्रीक लैंग्वेज में जो अंबर है उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बेसिक हमने 9th और 10th में कवर कर रखा है ना, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स के अंदर दोनों के अंदर आता है। तो अंबर को जो ग्रीक लैंग्वेज है उस ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन से ही क्या आया नेम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अंबर का ग्रीक नेम इलेक्ट्रॉन है और उसकी इलेक्ट्रॉन से क्या नेम जनरेट हो रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जो चार्जेस है उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी प्रॉपर्टी की, जो चार्जेस के बारे में पता चला था वो कहाँ से पता चला था हमारे पास, थैलस से पता चला था। ओके, अब आगे चार्जेस को समझने से पहले एक और बेसिक चीज़ है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या बेसिक चीज़ है, देखिए क्या होता है हमारे पास, एटम। इसके बारे में हमने जो हमारे 9th और 10th और 11th की क्लासेस हैं उस क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था। क्या होता है एटम, एटम होता है एक स्मॉल पोर्शन होता है, उस स्मॉल पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस। एक स्मॉल पोर्शन होता है
उस स्मॉल पोर्शन को न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस स्मॉल पोर्शन में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों इस स्मॉल पोर्शन में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस स्मॉल पोर्शन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होंगे, उस ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते रहेंगे, ये रोटेट करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज्यूम कर लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट्स होते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। अब इसमें हम एक चीज़ ले रहे हैं, क्या दो टर्म्स हो सकती है, क्या टर्म्स हो सकती हैं, देखिए अगर इसमें से मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर दिया, तो जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर दिया, एग्जांपल ले लेता हूँ, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। क्या करा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगा तो प्रोटोन तो अभी भी मेरे पास कॉन्स्टेंट कितने हैं, 6 ही हैं। न्यूट्रॉन अभी भी कितने हैं, वो भी कंटिन्यूसली 6 ही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते ही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे पास, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, ये कंडीशन है। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन किस तरह से बिहेव करते हैं, एज अ पॉजिटिव की तरह से बिहेव करते हैं। अगर कहीं पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव बोलेंगे, या सिर्फ प्रोटॉन ही है उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव बोलेंगे। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी की तरह बिहेव नहीं करते। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरह से बिहेव करते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की तरह, मतलब नेगेटिव की तरह से, नेगेटिव की तरह से बिहेव करते हैं। तो अब इस टर्म में क्या देख रहा हूँ मैं, प्रोटॉन्स तो 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 ही हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरिजन में कम है, तो ये किसकी तरह से बिहेव करने लगेगा आपके, ऐसे पॉजिटिव की तरह से बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये एज अ पॉजिटिव की तरह से बिहेव कर रहा है। अब ये तो पहली कंडीशन हुई कि मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने बाहर निकाला था, मान लेता हूँ वापस इसके अंदर हमारे पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करा रहा हूँ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया। अब क्या देखते हैं हम, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, अभी भी 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अभी भी कितने हैं, 60 हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 7 हो जाते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इसकी तरह से बिहेव करने लगेगा, एज ए नेगेटिव वो बिहेव करने लग जाता है। तो ये आपका एटम का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें पॉजिटिव कब होते हैं, जब प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, और नेगेटिव कब होता है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके ज़्यादा होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम आए एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आएंगे। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लें हम, मेरे पास एक ग्लास रॉड है, उस ग्लास रॉड को मैंने एक सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा हूं मैं, रब कर रहा हूँ, है ना,
मतलब दोनों को क्या करा मैंने, एक दूसरे के साथ इस तरीके से हम रब कर रहे हैं। तो जैसे हम एक दूसरे से रब करेंगे तो उन दोनों में, किन दोनों में, ग्लास रोड में इसमें और सिल्क इसमें, दोनों में क्या होगा आपके, फ्रिक्शन होगा। जैसे ही दोनों में फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो क्या होगा, इस सिल्क में, इस ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, हमारे सिल्क में चले जाते हैं। ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, हमारे सिल्क जो क्लोथ था उसके अंदर चले गए। जैसे ही ये सिचुएशन हुई, सिचुएशन में क्या हुआ, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो किस तरह से बिहेव करने लगता है, पॉजिटिव, अभी देखा था हमने। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो ग्लास रोड है वो किस तरह से बिहेव करने लगेगा, पॉजिटिव की तरह से। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्लास रोड, ठीक है। और जो हमारा सिल्क क्लोथ था, ये सिल्क क्लोथ है, वो सिल्क क्लोथ क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन थे इसमें और इलेक्ट्रॉन अंदर और एंटर कर गए। जैसे एंटर कर गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर, सिल्क के अंदर क्या हो गए, ज्यादा हो गए। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये किसकी तरह से बिहेव करने लगेगा, नेगेटिव की तरह से। ओके, तो ग्लास रोड किस तरह से चार्ज हो गई, पॉजिटिव, और सिल्क किस तरह से बिहेव करने लगेगा, नेगेटिव की तरफ से बिहेव करने लग जाता है। ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक, अब इस टाइम पे हम ले लेते हैं हमारे पास प्लास्टिक रोड, ये हमारे पास एक प्लास्टिक की रोड है, ठीक है। उसको हम एक फर, फर क्या होता है, जो कैट की खाल होती है उसको क्या बोलते हैं, हम फर बोलते हैं, ठीक है। एक फर लिया हमने और दोनों को वापस एक दूसरे के साथ हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, वापस एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं। तो जैसे ही हम रब करते हैं तो क्या होता है, इस फर में से अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाते हैं, इस प्लास्टिक के अंदर चले जाते हैं। ओके, जैसे ही फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के थ्रू फर में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे प्लास्टिक के अंदर चले गए। जैसे ही फर में से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में गए तो क्या हो रहा है हमारे पास, कि अब जो प्लास्टिक है उसमें पहले से ही थे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जैसे ही और इलेक्ट्रॉन आ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हुआ, जितने थे उतने के उतने ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आ गए तो किसकी तरह से बिहेव करने लगेगा, एज अ नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जो ये प्लास्टिक रॉड है वो किसकी तरह से बिहेव कर रही है, एज अ नेगेटिव की तरह से बिहेव करने लग गई। प्लस जो हमारे पास फर था उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके अंदर चले गए। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसकी तरह से बिहेव करने लगा, ये पॉजिटिव की तरह से। तो ये पॉजिटिव की तरह से बिहेव करने लगा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। तो क्या करा हमने, चार नंबर ऑफ चार्जेस को, पॉजिटिव नेगेटिव या प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन्स को हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम सिर्फ यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन्स कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक एटम है, उस एटम के अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास एक एटम है तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रोटेट कर रहे हैं लेकिन प्रोटॉन सेंटर के अंदर है। तो ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को बाहर की तरफ नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे ना तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और ना ही इतने ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल एनर्जी के ऊपर ही क्या हो सकता है, इस एटम से बाहर की तरफ निकल सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा ना तो ग्लास रॉड पहले वाले एग्जाम्पल में सिल्क के साथ और ना ही सेकेंड एग्जाम्पल में इतनी एनर्जी देनी है। तो सिर्फ हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं।
तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा हमने कि जब हम ग्लास रॉड और सिल्क को रब करते हैं तो सिल्क में से ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि जब हम प्लास्टिक की रॉड है और फर है दोनों को रब करते हैं तो फर में से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में चले जाते हैं, तो प्लास्टिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और फर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इसलिए इस पे किस तरह का चार्ज आ गया हमारे पास, प्लस का चार्ज आ जाता है। ओके, यहाँ तक तो हमारा एग्जाम्पल। अब देखिए, अब देखते हैं अपन कि क्या होता है अगर मैं मेरे पास दो ग्लास रॉड है, ये वाली ग्लास रॉड है ठीक है, और एक और ग्लास रॉड है। मान लेता हूँ इसी प्रैक्टिकल को हमने, ये जो हमारा प्रैक्टिकल है इसी प्रैक्टिकल को हमने अगर दो बार करा है, इसी एग्जाम्पल को हमने दो बार करा है, तो इस तरह से हमारे पास कितनी ग्लास रॉड आ जाएगी, हमारे पास दो ग्लास रॉड आ जाएगी। सो क्या हो रहा है, अब मेरे पास पहले वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में मेरे पास एक ग्लास रॉड थी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था हमारा, प्लस चार्ज। इसी तरह से एक और बार प्रैक्टिकल करा, ये मेरे पास ग्लास रॉड आ गई ना, इसको मैंने किसी ऑब्जेक्ट से हैंग कर दिया, टांग दिया। इसी तरह से मेरे पास सेकंड ग्लास रॉड है, उसे भी मैंने किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सपोर्ट से ऊपर की तरफ कवर टांग दिया। अब इस पे भी मेरे पास पॉजिटिव है, अगर ये भी मेरे पास एक अनादर ग्लास रॉड है। अब क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैंने एक दूसरे के पास में हैंग किया है, जैसे ही हैंग करूँगा तो क्या देखते हैं हम, ये दोनों जो ग्लास रॉड है ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होने के लिए ट्राई करती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करती हैं ठीक है। ये पहली वाली सिचुएशन है, पूरा हम देखते हैं फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हमने पहली वाली सिचुएशन ली। अब सेकेंड सिचुएशन क्या लिए, जो हमारा प्लास्टिक वाला था, उस प्लास्टिक वाले में क्या करा हमने कि वापस प्लास्टिक को फर से, क्या ये जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक को हमने फर से रब किया था, रब करने पे जो प्लास्टिक है उस पर कौन सा चार्ज आ गया था हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो इस सिचुएशन को वापस हम कितनी बार ले रहे हैं, दो बार, कि इस प्रैक्टिकल को हमने दो बार परफॉर्म करा। जैसे इस प्रैक्टिकल को हम दो बार परफॉर्म करते हैं तो अब क्या हो जाता है, हमारे जो प्लास्टिक रॉड है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए, तो प्लास्टिक पे हमारे पास ये आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ठीक है, ये प्लास्टिक है, इसको हैंग कर दिया हमने। इसी तरह से हमारे पास एक और प्लास्टिक की रॉड थी, उसको हमने क्या करा, वापस दूसरे से हैंग कर दिया। जैसे ही हमने वापस इन दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आया तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से वापस क्या होने लगे, रिपेल होने लगे। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारे पास कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, दोनों को अगर पास में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, वापस दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं। तो ये तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल हुआ जिसमें हम सेम सेम टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे के पास में ला रहे थे। अब हम एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ, वापस मेरे पास एक ग्लास रॉड है, उस पे कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो ये तो होगी मेरे पास ग्लास रॉड ठीक है। अब हमारे पास दूसरी है कौन सी रॉड है, एक प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक की रॉड ली हमने, उस पे कौन सा चार्ज देख रहे हैं हम, देखिए उस पर कौन सा चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया हमारे पास प्लास्टिक रोड। अब अगर इन दोनों को मैं पास में लाने के लिए ट्राई करता हूँ, इसको
इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, दोनों एक दूसरे के पास में आने के लिए ट्राई करती हैं। तो इस इन दोनों पे अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करते हैं, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं आपके यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ये जो एग्जाम्पल्स थे, ये एग्जाम्पल हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करे एक से दूसरे में एंटर कराए, किसके थ्रू एंटर कराए, फ्रिक्शन, क्या करा था हमने इसके अंदर फ्रिक्शन करा था हमने, इन दोनों को क्या कर दिया था एक दूसरे के साथ रब करा था। ये देखिए पहली वाली कंडीशन में हमने रब करा और दूसरी वाली कंडीशन में भी रब करा, तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड कहलाएगा आपका, फ्रिक्शन वाला मेथड। ओके,